दोस्तों आज मैं आदि पुरुष के कास्ट को और आमानंद सागर के रामायण के कास्ट को साथ में दिखाऊंगी। तो दोस्तों आप बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत श्री राम के कास्ट से करते हैं। तो दोस्तों रामानंद सागर के रामायण में अरुण गोविल जी ने राम जी का किरदार निभाया था, तो वहीं आदि पुरुष में प्रभास ने राम जी का किरदार निभाया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं हनुमान जी के किरदार के बारे में। रामानंद सागर के रामायण में दारा सिंह ने हनुमान जी का किरदार निभाया था, तो वहीं आदि पुरुष में देव दत्ता नागे ने हनुमान जी का किरदार निभाया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं माता सीता के किरदार के बारे में। रामानंद सागर जी के रामायण में दीपिका चिखालिया ने सीता जी का किरदार निभाया था, तो वहीं आदि पुरुष में कृति सेनन ने सीता जी का किरदार निभाया था। तो दोस्तों मंदोदरी के किरदार के बारे में अब बात करेंगे। रामानंद सागर के रामायण में अपराजिता भूषण ने मंदोदरी का किरदार निभाया था, तो वहीं आदि पुरुष में तृप्ति टोडरमल ने मंदोदरी का किरदार निभाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लक्ष्मण जी के किरदार के बारे में। रामानंद सागर के रामायण में सुनील रहरी जी ने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था, तो वहीं आदि पुरुष फिल्म में सनी सिंह ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेघनाथ के किरदार के बारे में। रामानंद सागर के रामायण में विजय अरोड़ा ने मेघनाथ का किरदार निभाया था, तो वहीं आदि पुरुष में बत्सल सेठ ने मेघनाथ का किरदार निभाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रावण के किरदार के बारे में। रामानंद सागर के रामायण में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था, तो वहीं आदि पुरुष में सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया है। तो दोस्तों आप इन किरदारों के बारे में क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।